जैसे ही बारिश होना स्टार्ट होता है, बारिश के साथ ही घर में आने लगते हैं ये मच्छर, और मच्छर के साथ भी आने लगते हैं बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। आज मैं इनको भगाने के लिए आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा घरेलू नुस्खा, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके घर से ये चींटी हो, मच्छर हो, मक्खी हो, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। मच्छर भगाने के लिए हम महंगे से महंगे कॉयल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा घरेलू नुस्खा, जिसमें हम बिल्कुल भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, घर की छोटी मोटी चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे। क्या है वो घरेलू नुस्खा, इसको हम बनाएंगे कैसे और हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, चलिए आइए वीडियो में आगे देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 2 तेज़पत्ता, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने रसोई घर में स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं। स्वाद बढ़ाने के साथ साथ ये मच्छर भगाने के भी काम आता है। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पर 2 से 3 ये कपूर, जिसका इस्तेमाल आप लोग अपने घर में पूजा घर में करते हैं। तो अगर छोटे वाले हैं तो आप वो ले लें, बड़े हैं तो आप वो ले लें। उसके बाद आपको एक बर्तन लेना है, बट ध्यान रखें ऐसा हो जो आप अपने खाने पीने में यूज़ में ना लेते हो। उसके बाद इसके अंदर आपको डालना है सरसों का तेल, सरसों का तेल या फिर नीम का तेल, दोनों में से एक आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने कपूर लिया था इसका पाउडर बनाना है और इसी तेल के अंदर डाल देना है। तो अगर इस तरह से छोटे वाले कपूर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 3 कपूर का पाउडर बनाकर इसी के अंदर डाल दें। वैसे ये तो हाथों से बन जाता है, जो बड़ा वाला होता है अगर वो नहीं बनता है तो पहले आप उसे बारीक कूट कर पाउडर बना लें और इसी तेल के अंदर आप डाल दें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि तेल में कपूर अच्छे से मिक्स हो जाए। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें नीम की पत्ती का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप नीम के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको नीम की पत्ती की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से कोई प्लेट ले लेना है जो बेकार हो आपके घर में, या फिर मिट्टी का दीपक हो आप वो भी ले सकते हैं। अब इसी प्लेट के अंदर आपने ये जो तेज़पत्ता लिया था, ये दोनों तेज़पत्ते को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। दोस्तों आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँची है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दोनों तेज़पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अब आपको क्या करना है, नीम की पत्ती लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो नीम की पत्ती है इसको सुखा लिया है, लेकिन देखने में तो ये बिल्कुल हरी ही लग रही है, लेकिन आप ध्यान से देखिए एकदम सूखी हुई है, क्योंकि हाथों से जब हम इसे तोड़ रहे हैं ना तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल चूरा चूरा हो जा रहा है। आपको ढेर सारा नीम का पत्ती लेना है और इस तरह से इसी में आपको तोड़ कर सारी पत्तियों को डाल देना है। अगर आपके पास सूखी पत्ती नहीं है कोई बात नहीं, आप इस तरह से जो हरी पत्ती है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने तेल के अंदर कपूर डाला था यही तेल आपको 1 से 1.5 चम्मच के करीब इसी के अंदर डाल देना है। उसके बाद ये अच्छे से जले थोड़ी देर, हम क्या करेंगे एक कपूर लेंगे और इसका इस तरह से पाउडर बनाकर इसके ऊपर हम डाल देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा जले। हम क्या करेंगे अब इसको जला देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर कपूर डाला है, जिसके वजह से ये थोड़ा सा जलेगा। कपूर के वजह से ही थोड़े देर ये जलता है, लेकिन इसके अंदर जो हमने तेज़पत्ता और नीम की पत्ती डाला है ना, उसका धुआं भी बहुत आता है अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, और थोड़ी देर तक ये जलता भी है। अब आपको क्या करना है, आपका हाथ ना जले इस प्लेट को पकड़ते हुए आप एक बड़े प्लेट में रख लें, और इसी प्लेट से आपको अपने पूरे घर में जहाँ पर भी आपको लगता है कि मच्छर बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पर इसका आपको धुआं दिखाना है। चाहे वो कॉर्नर हो, बेडरूम हो, कहीं पर भी आपको हर जगह इसका धुआं दिखाना है। आप ये काम डेली कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर के मच्छर तो भागेंगे, लेकिन आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। ऐसा आप डेली शाम को करें, क्योंकि शाम होते ही आपके घर में मच्छर, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आने लगते हैं। तो ये तो रहा मच्छर भगाने का घरेलू नुस्खा। आगे हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में ही बहुत सारी चींटी हो जाती है या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते हैं, आपने देखा होगा अक्सर लाइट के पास होती हैं, तो उनको भगाने के लिए हम क्या करें। इस तरह से कोई पानी की बॉटल ले लें या फिर स्प्रे की बॉटल ले लें या कोई बर्तन भी ले सकते हैं। बर्तन का बस ये ध्यान रखना है आप उसे खाने पीने की चीज़ में यूज़ ना करें। अब आपको क्या करना है,
हम इस बॉटल के अंदर ही बनाएंगे। तो एक ग्लास के करीब बॉटल के अंदर पानी डाल देंगे। अब इसी पानी के अंदर आपको आधा चम्मच के करीब नमक डालना है, वही नमक जिसका इस्तेमाल आप लोग अपने घर में करते हैं। तो हमने आधा चम्मच के करीब पानी के अंदर ही नमक डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, दो कपूर लेना है और इसका पाउडर बना लेना है। देखिए ये छोटा वाला तो हाथ से ही पाउडर आसानी से बन जाता है, जो बड़ा है उसको आप पहले पाउडर बना लें और उसके बाद इसी पानी के अंदर कपूर का पाउडर डाल दें। साथ ही हमें इसके अंदर दो बड़े चम्मच के करीब ये विनेगर डालना है। विनेगर नहीं है तो आप इसकी जगह एक बड़ा नींबू का रस डाल दें। उसके बाद घर में हम जो ये डिटॉल लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, आपको इसका डेढ़ ढक्कन के करीब ये डिटॉल लिक्विड लेना है और इसी के अंदर आपको डाल देना है। जैसे ही इसके अंदर लिक्विड डिटॉल हम डालते हैं, आप देखते हैं इसके अंदर रिएक्शन होता है। हमें अब क्या करना है, इस बॉटल के ढक्कन को बंद करके अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि सारी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसका कलर देख सकते हैं, मिक्स होने के बाद इसका कलर कैसा है। अब इसी का इस्तेमाल हमें करना है घर की चींटी भगाने में, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भगाने में, और हाँ दोस्तों चूहा भगाने में भी। चूहा भगाने में हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जी हाँ दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम चूहा भगाने में भी करेंगे, लेकिन कैसे, उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा कॉटन लेना है। आप थोड़ा सा कॉटन ले लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो अभी आपने बनाया है इसी कॉटन के ऊपर आपको अच्छे से डाल देना है, जिससे कि कॉटन जो है इसमें डूब जाए एक तरीके से। इसी तरीके से जितने भी कॉटन बॉल्स की आपको ज़रूरत लगती है आप उतना बनाकर रेडी कर लें। जहाँ पर भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा चींटी होती है या फिर बहुत ज़्यादा चूहा आता है, वहाँ पर आप एक एक कॉटन बॉल्स रख दें बच्चों को ध्यान में रखते हुए, और आप ये काम हमेशा रात में सोने जाएं उससे पहले ही करें। चींटी हो, चूहा हो या फिर कीड़े मकोड़े हो, जहाँ पर भी लगता है फर्श पे, बेड के नीचे, जहाँ पर भी लगता है वहाँ पर आप रख दें। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बच्चा है आप इसका स्प्रे कर लें, जैसे कि आप फर्श पे हुआ, किचन के फर्श पे हुआ, टाइल्स की दरारों पे हुआ, इनका आप स्प्रे कर दें। इससे भी जो होता है कि जो मच्छर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। और आप अगर चाहें तो इसे थोड़ा ज़्यादा बनाकर 10 से 15 दिन के लिए भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर कीड़े मकोड़े या चींटी से परेशान है तो आप इसे डेली यूज़ करें। अगर आपके घर में ज़्यादा चींटी कीड़े मकोड़े नहीं हैं तो हफ्ते में एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही कमाल का ये घरेलू नुस्खा है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आप अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।